आज हम कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान कांग्रेस प्रणाली को चुनौती के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकल्पी प्रश्न। विकल्पी प्रश्न में पहला है कि 1967 के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से बयान सही है। ऑप्शन है पहला कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गई। दूसरा है कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी। तीसरा है कि कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। और आखिरी ऑप्शन है कि कांग्रेस केंद्र में सत्ताहीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा। तो इसका सही उत्तर है का कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गई। यह है सही ऑप्शन। फिर जो है कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव हारी और विधानसभा के भी, यह क्या है, ये वाला ऑप्शन है गलत। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई, ये सही है। और फिर है कि केंद्र कांग्रेस सरकार ने सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा, ये है गलत। अब है प्रश्न दूसरा कि सही जोड़ियां बनाइए। तो पहला है सिंडिकेट, यह है कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह जिसे सिंडिकेट नाम दिया गया। फिर है दूसरा दल बदल। दल बदल में है कि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर वह दूसरे दल में चला जाए तो उसको दल बदल का नाम दिया जाता है। फिर है तीसरा नारा, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा जिसको क्या बोला जाता है, नारा। फिर है गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना ही गैर कांग्रेसवाद था, यह है। अब हम इसी में पढ़ेंगे प्रश्न तीसरा कि निम्नलिखित जो नारे हैं अभी हम पढ़ेंगे उनका संबंध किन नेताओं से था। निम्नलिखित नारे जो हैं इनका संबंध किस नेताओं से था। तो पहला है जय जवान जय किसान, यह नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। फिर है दूसरा इंदिरा हटाओ, यह नारा था सिंडिकेट समूह का नारा था इंदिरा हटाओ, जो एक विरोधी दल था। और तीसरा है गरीबी हटाओ का नारा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। अब है प्रश्न चौथा कि 1971 में ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, यह कथन सत्य है कि 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में इसका गठन
में आगे देखेंगे। प्रश्न चौथा, प्रश्न पांचवा, किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह करना चाहिए। यहाँ कुछ समाधान दिए हैं और प्रत्येक पर विचार करना है और उसके सामने विचार कर उसके फायदे नुकसान को लिखना है। तो सबसे पहला है कि पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, इसका क्या फायदा है कि पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से पार्टी में एकता और अनुशासन बना रहेगा, यह इसका फायदा है। और इसका नुकसान या घाटा क्या है कि पार्टी में अध्यक्ष का एक छत्र राज्य हो जाएगा और इसके कारण वैचारिक स्वतंत्रता हेतु कोई स्थान नहीं रहेगा। फिर है दूसरा कि पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल करना, इसका ये फायदा है कि किसी भी निर्णय को लेने में प्रत्येक व्यक्ति के मत का महत्व होगा। और इसका घाटा है कि पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल में घाटा है कि पार्टी में गुटबाजी की भावना बढ़ने लगेगी। फिर है तीसरा कि हरेक मामले पर गुप्त मतदान कराना, इसका फायदा कि इससे प्रत्येक कार्यकर्ता को बिना किसी के दबाव में आए निष्पक्ष रूप से मत देने का अधिकार होगा। और इसका नुकसान है कि प्रत्येक मामले में गुप्त मतदान कराने से क्रॉस वोटिंग का खतरा बना रहता है, जिससे कई बार राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाते हैं। और इसका आखिरी प्रश्न है कि पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं से सलाह करना, तो पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं से सलाह करने से पार्टी के युवा नेताओं को वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का फायदा होगा। और नुकसान है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लगातार सलाह लेने से युवा नेताओं को कुछ नया कर दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। अब इसी में आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यकीन है 1967 के चुनावों में कांग्रेस की हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए या तर्क दीजिए। पहला है कि कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेताओं का अभाव था। ये क्यों था? क्योंकि 1967 के चुनावों में कांग्रेस की हार हुई थी। तो इसका उत्तर है कि यह कांग्रेस की हार का कारण नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में करिश्माई नेताओं की कोई कमी नहीं थी। फिर दूसरा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व 1967 के चुनावों में कांग्रेस की हार का एक बहुत बड़ा कारण, मुख्य कारण समझा जा सकता है। फिर है क्षेत्रीय जाति और सांप्रदायिक संबंधों की लामबंदी को बढ़ाना, क्षेत्रीय जाति और सांप्रदायिक संबंधों की लामबंदी बढ़ने के कारण प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस का प्रभाव कम हो गया था। गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता, तो गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता होना कांग्रेस की हार का मुख्य कारण था। और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था तथा गठबंधन करके प्रांतीय स्तर पर इन्होंने सरकारों का गठन भी किया। फिर है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद, कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद भी कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद बने हुए थे। 1967
1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? तो इंदिरा गांधी जो एक समाजवादी नेता थी और उन्हें यह मालूम था कि भारत में बहुसंख्या जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। भारत की ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है वह गांवों में निवास करती है और जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो बहुत गरीब है, और भारत को विकास करने के लिए इन गरीबों को विकसित करना होगा। इस कारण उन्होंने बहुत सी योजनाएं चालू की जिस कारण वो लोकप्रिय हुए। इनमें प्रमुख थे गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सामाजिक व आर्थिक नीति, प्रीवी पास की समाप्ति और 20 सूत्री कार्यक्रम। इनके माध्यम से वह इंदिरा गांधी जो थी लोकप्रिय हुई थी। प्रश्न है 8 कि 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है और सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? तो सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली वरिष्ठ नेताओं का एक समूह था। इनमें शामिल प्रमुख नेता जो थे वो थे के कामराज, एस के पाटिल मोरारजी भाई देसाई, एस निजलिंगप्पा, एन संजीव रेड्डी, अतुल घोष। कांग्रेस पार्टी में इनके निम्नलिखित बिंदुओं में जाना जा सकता है। तो सिंडिकेट को किंग मेकर कहा जाता था। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी को तथा शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इसकी प्रमुख भूमिका थी। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के पहले प्रधानमंत्री काल में मंत्री परिषद के गठन और नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन में भी अपनी प्रमुख भूमिका सिंडिकेट ने निभाई थी। कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में की शिकार? इसके प्रमुख कारण है 1969 में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई। कांग्रेस ओ जिसका नेतृत्व पुराने लोगों ने किया और कांग्रेस आर जिसका नेतृत्व नए युवा लोगों ने किया। कांग्रेस के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। फिर दूसरा, इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने के लिए प्रेरित किया और इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को इंदिरा समर्थित। इंदिरा गांधी ने शब्दाग्रहणियों का राष्ट्रीयकरण किया और प्रीवियस को समाप्त करने की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष तथा इंदिरा गांधी के बीच मतभेद हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने नीलम संजीव के बाद कांग्रेस की नीति निर्माण समिति समर्थकों को हटा दिया तो इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल से कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थकों को निकाल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी नुसरत्व वाली कांग्रेस की असल कांग्रेस है और कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में जो क्या थी विभाजित हो गई थी।